बैक टू माई अदर ब्लॉग। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन की साफ सफाई एंड आज सुबह सुबह आज स्पेशल स्पेशल खाना बन रहा है, मतलब सरसों का साग, मतलब पूरा मिक्स वाले साग है। ये देखो ये इतना टेस्टी सा सरसों का पालक वालक मिक्स करके मम्मी साग बना रही है। एंड तब तक मैं थोड़ा साफ सफाई कर लेती हूँ किचन का। मेरा भी सारा काम हो चुका है तो मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। एंड मेरी बहन को आज फोटो शूट करवाना था तो वो अभी बैठ के अपना कर रही है मेकअप का प्रैक्टिस, उसके बाद मैं क्या फोटोग्राफर बनके उसका फोटो शूट करूँगी। तो ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट बैठ के अपना मेकअप कर रही है। तो मेरी बहन हो चुकी है अब तैयार। ये तो टट्टी है यार, तो जल्दी से जाती हूँ मैं इसका फोटो शूट कर लेती हूँ इसके पहले इसका मेकअप थोड़ा पिघल जाए, क्योंकि भर भर के लगाई है। अच्छा ठंडी है तो नहीं पिघलेगा शायद, है ना अंशु? देखो ऐसे निक्कर वाली है ये मेकअप आर्टिस्ट, नीचे निक्कर और ऊपर और ऊपर भर भर के मेकअप। तो ये हमारी परम सुंदरी अब मेकअप उतार के जाएगी पढ़ने लिखने, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ तो अब हम लोग जा रहे हैं छत पर, नीचे थोड़ा सा रूम में फोटो शूट कर लिए हैं, अब छत एक बार चेक करते हैं कि क्या पता छत पे थोड़ा सा व्यू अच्छा आ जाए। अब आफ्टर मेकअप अब अच्छा दिख रहा है। ये रूम की हालत देखो जो ये मैडम अपने मेकअप के चक्कर में फैलाई है पूरा। बहन ये पूरा जो फैलाई है ना उसको रख के जाना, ठीक है? लेट हो रहा ना। तो मैं अभी ऐसे चावल बना रही थी, तो चावल बनाना तो हो चुका है कम्प्लीट। तो एक्चुअली कल रात को थोड़ा सा पकौड़े के लिए ना आलू का चोखा बनाए थे पेस्ट, तो अभी सोच रही कि उसी को आलू गुंडा जैसे करके बना देती हूँ, तो मस्त गर्मा गर्म दाल चावल और साग के साथ खाएंगे फिर आलू गुंडा। तो ये मस्त गर्मा गर्म इतना सारा मैं तल रही हूँ। थोड़ा सा बेसन बच गया था तो मैं बोली मम्मी को कि आप प्याज काट दो, तो उसका भी प्याज ही तल लेंगे। ये इतना मस्त गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी आलू गुंडा तल ली हूँ और इसमें प्याजी भी डला गया है। खुश तो बहुत होगी मम्मी का क्या मस्त इतना अच्छा अच्छा बना के दे रही हूँ। लोग ना तरसते हैं कि इनके जैसी बेटी हमको भी दे दो, आईनी को कदर नहीं है, तरसता है। सब तरसते हैं, सब बोलते हैं आपकी बेटी कितनी अच्छी, आपकी दोनों बेटियां, हमारी भी ऐसी होती, इन्हीं को कदर नहीं है हम लोग का। तो ये मेरा स्पेशल थाली दाल चावल साग, तो इसको ले चलती हूँ मैं खाने के लिए हॉल में ही। एंड ये मेरे पकौड़े वाली प्लेट, तो सबसे पहले एक तो पकौड़ा टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि दिखने में तो मस्त क्रिस्पी लग रहा है ये। खाने में बहुत क्रिस्पी है, आज तो एकदम अच्छा खाना मिल रहा है। क्या बोल रही हो? रोज अच्छा रहता है, आज उससे भी अच्छा है ये। हे फ्रेंड्स, तो अब मैं जा रही हूँ शाम का इवनिंग एक्सरसाइज करने के लिए एंड आज मैं उसके साथ इंक्लूड करूंगी थोड़ा सा डांस वांस भी, क्योंकि ऐसे मैं डेली वही करते रहूँ ना तो थोड़ा सा बोर भी लगता है एंड वो थकान भी महसूस होने लगती है। बट जब बारी आती है डांस की म्यूजिक की तो कोई भी थकान महसूस नहीं होती, तो इसीलिए आज डांस एंड एक्सरसाइज मिक्स करके करेंगे। तो फिर जल्दी से मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकर थोड़ा सा हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए, एक्चुअली उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था तो वो दो तीन दिन से कुछ खा ही नहीं रहा था और जो भी खा रहा था तो उसको उल्टी हो रही थी। तो इसीलिए आज मतलब मोहल्ले वाले थोड़े अच्छे हैं हमारे, तो हम लोग सब जन मिल के मतलब दो तीन घर वाले मिल के उसको लेके गए थे पैसे जमा करके कि उसको चेकअप एक बार करवा देते हैं। तो अभी आज वैसे तीसरा दिन था उसको कि थोड़ा ग्लूकोज चढ़ रहा था, तो अभी तो वैसे फुद्रू को वापस लेके आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत ही ठीक है उसका हालत। अब देखते हैं कि और कितने दिन उसको लेके जा सकते हैं, नहीं तो घर में ही थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा कि क्या खिलाएं, क्योंकि कुछ भी खिला रहे हैं तो बेचारा पूरा उल्टी कर दे रहा है और जो दौड़ दौड़ के आता था ना वो पूरा सुस्त हो चुका है एकदम, वो खड़े भी नहीं हो पा रहा है ऐसा। और ये सब मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोग के घर तरफ कोई भी स्ट्रीट डॉग या ऐसा कोई भी जानवर है तो प्लीज़ दिल बड़ा रख के उसकी हेल्प कर दो, एटलीस्ट दिखावे के लिए ही।
तो मैं अभी कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, मतलब आज बनेगा गाजर का हलवा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अब ठंडी का सीज़न है, इसके पहले कि गाजर आना बंद हो जाए तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी बना के खा लिया जाए। एंड साथ ही खाने में बनेगा चीला चटनी, जो कि छत्तीसगढ़ की स्पेशल फेमस डिश होती है। जिन लोगों को नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक्चुअली उसकी रेसिपी भी रखी है, उसको भी चेक कर सकते हो। तो आज चीला चटनी बनेगा एंड लास्ट में ये गाजर का टेस्टी वाला हलवा। तो गाजर वहाँ पर पक रहा है और साथ में अब मैं चीले के लिए चटनी की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो ये मैं अपनी टेस्टी चीला चटनी लेके बैठ गई हूँ। चीले के साथ मस्त ये टमाटर वाली चटनी है। अभी अंशु मम्मी के हाथ में ये इतनी सुंदर सी मेहंदी बना रही है, और ये मम्मी अपने नाम का एस लिखवा लिए, बी लिखवाना था ना मुझे पापा का नाम। तो मैं जा रही हूँ अभी गेट को लॉक करने के लिए। तो मैं अब जा रही हूँ बालों में थोड़ा सा तेल लगाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से लगे नहीं है और बहुत ज़्यादा रूखे हो गए आपस में, देख रहे हो फंस गए पूरे के लिए। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। यहाँ मैंने भर भर के तेल लगा लिया, साथ में ये माइक वाली चोटी भी कर ली है। तो मैं तो जा रही हूँ अब सोने के लिए। एंड अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी से ब्लॉग को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।